नमस्कार दोस्तों, एयर स्पिरिचुअल सीक्रेट्स में आपका स्वागत है। भूत प्रेत का नाम सुनते ही मन में भय व दहशत व्याप्त हो जाती है। तार्किक लोग भूत प्रेत के अस्तित्व को सिरे से नकारते हैं, वही कुछ अंधविश्वासु सामान्य मन रोगों को भी भूत प्रेत से जोड़कर देखते हैं। लेकिन क्या सचमुच भूत प्रेत होते हैं? इस प्रश्न का उत्तर शायद ही किसी को संतुष्ट कर पाता हो। आज हम इसी रहस्य को समझने का प्रयास करेंगे। प्रारंभिक तौर में विज्ञान भूत प्रेत के अस्तित्व को खारिज करता आया है, लेकिन वर्तमान दौर में वह इन्हें एक दिव्य ऊर्जा के रूप में स्वीकार करने लगा है। हमारे मतानुसार इस रहस्य को विज्ञान कभी भी नहीं जान पाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि विज्ञान मशीनी उपकरणों के माध्यम से चेतना को जानने का प्रयास करता है, जबकि ये चेतनाएं जिस एकमात्र उपकरण के माध्यम से जानी जा सकती है वह उपकरण है मनुष्य शरीर। हमारा भौतिक शरीर, जिसे स्थूल शरीर भी कहा जाता है, कई शरीरों का संग्रहित रूप है। हमारे स्थूल शरीर के भीतर अन्य शरीरों की परतें होती है। इन शरीरों को सूक्ष्म शरीर, आकाश शरीर, मन शरीर, आत्मिक शरीर, ब्रह्म शरीर व निर्वाण शरीर कहा जाता है, जिसे सामान्य भाषा में भूत प्रेत कहा या समझा जाता है। वह वास्तविक रूप में मनुष्य का सूक्ष्म शरीर होता है। इस सूक्ष्म शरीर में मनुष्य की सारी भावनाएं, मन, स्मृतियां व अन्य तत्व संग्रहित रहते हैं। सामान्य मृत्यु में व्यक्ति का केवल भौतिक या स्थूल शरीर ही नष्ट होता है। सूक्ष्म शरीर आगे की यात्रा के लिए बचा रह जाता है। इसी सूक्ष्म शरीर के कारण मनुष्य को अगला जन्म प्राप्त होता है। यह सूक्ष्म शरीर आवागमन का आधार है। सूक्ष्म शरीर जब तक भौतिक शरीर धारण नहीं कर लेता, तब तक उसकी संसार में स्थिति व उपस्थिति को ही भूत प्रेत के नाम से जाना जाता है। सरल शब्दों में भूत प्रेत वास्तव में मनुष्य का सूक्ष्म शरीर ही है। सामान्यतः साधारण जीवात्माएं मृत्यु के उपरांत बहुत शीघ्र ही नया जन्म ले लेती है, लेकिन कुछ असाधारण जीवात्माएं जिनमें बहुत श्रेष्ठ, जिन्हें हम देवताओं के श्रेणी में रखते हैं, और बहुत निकृष्ट, जिन्हें हम भूत प्रेत की श्रेणी में रखते हैं, अपने स्वभावगत कारणों व वासनाओं के कारण नया जन्म लेने में विलंब करती है। इस काल में ये जीवन आत्माएं सूक्ष्म शरीर के रूप में संसार में विद्यमान रहती है। कुछ विशेष परिस्थितियों में ये जीव आत्माएं संसारिक मनुष्य के संपर्क में आकर अपनी उपस्थिति का एहसास भी कराती है, लेकिन ये बहुत ही असाधारण परिस्थितियों में होता है, जिसे प्रचलित भाषा में बाबा, देव, माता, भूत, प्रेत इत्यादि नामों से जाना जाता है। अक्सर समाज में भूत प्रेत का भय दिखाकर जनमानस का शोषण किया जाता है। यह सर्वथा अनुचित है। सूक्ष्म शरीर का सांसारिक क्रियाकलापों में हस्तक्षेप बहुत ही साधारण असाधारण परिस्थितियों में होता है। अतः ना तो इसमें सूक्ष्म शरीरों से अत्यधिक भयभीत होने की आवश्यकता है, और ना इनके अस्तित्व को सिरे से नकारना ही उचित है। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो